हमारे बीच में अपने आदरणीय सुनील ओझा जी, आदरणीय बंसल जी, आदरणीय महेश जी यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोग आपस में बातचीत नहीं, शोर अभी हो रहा है और दीप प्रज्वलन के लिए माननीय दीप प्रज्वलन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पार्चन दीप प्रज्वलन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय सुनील भाई ओझा जी, आदरणीय बंसल जी, आदरणीय महेश जी, मेरा अनुरोध है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर चित्र पर दीप प्रज्वलन कर पुष्पार्चन कर आज के इस राष्ट्रीय सदस्यता अभियान संगठन पर्व का कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। भारत माता की, 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 भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आग्रह करूंगा माननीय हर हर महादेव। मैं माननीय सभी मंचस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सभी का आग्रह, हर हर महादेव। मित्रों, मैं सभी मंचस्थितों से निवेदन कि अपने स्थान पर बैठेंगे। मैं आग्रह करूंगा आज अपने इस संगठन पर्व राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं अपने सहयोगी श्री विद्यासागर राय जी और अपने आदरणीय रचना जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पटका पुस्तक बैज पहुंचाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस अवसर पर स्वागत, पटका बैज जो हमारा सदस्यता अभियान है उसका बैज और पुस्तक देकर के उनका स्वागत करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसी क्रम में अपना जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान है इसका जो लोगो है वो अपना बैज माननीय मुख्यमंत्री जी लगा करके पुस्तक।
अपना जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान है इसका जो लोगो है वो अपना बैज माननीय मुख्यमंत्री जी लगा करके पुस्तक दे करके आज इसका माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से कि माननीय हमारे जेपी नड्डा जी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पटका बैच और पुस्तक दे करके सम्मान करेंगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और हम सब लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा अपने महानगर के सदस्यता प्रमुख श्री मनोज भारद्वाज जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तक बैज पटका दे करके उनका सम्मान करेंगे अपने महानगर के सदस्यता प्रमुख श्री मनोज भारद्वाज जी। इसी क्रम में ठीक मैं श्री प्रवीण सिंह गौतम अपने जिले के सदस्यता प्रमुख हैं, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का पटका बैच और पुस्तक देकर के सम्मान करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान हमारे श्री प्रवीण सिंह गौतम जिला सदस्यता प्रमुख वाराणसी कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी से कि आए आज इस संगठन पर राष्ट्रीय सदस्यता अभियान पर अपना स्वागत भाषण उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संगठन पर्व 2019 के आज पवित्र विशेष शुभारंभ के मौके पर हमारी इस प्राचीन नगरी काशी के अत्यंत लोकप्रिय सांसद, भारत ही नहीं विश्व के यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचस्थ आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, अपने बीच माननीय ओझा जी, माननीय बंसल जी, श्री महेश जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित संगठन के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और आज अपेक्षित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज की इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से माननीय मोदी जी का विशेष अभिनंदन है। और काशी के जीवन में अनेक अविस्मरणीय क्षण जब से माननीय मोदी जी का पदार्पण हुआ इस पवित्र भूमि पर जुड़ते जा रहे हैं, उसमें आज एक ऐसा क्षण जुड़ रहा है। लंबे अरसे से पार्टी का काम करने का एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे अवसर मिला है और अवसर जारी है, लेकिन मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि कोई प्रधानमंत्री स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का शुभारंभ राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का कर रहा हो। यह एक बहुत ही पवित्र स्मरणीय क्षण है। इस क्षण पर आप सब, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं और ज़्यादा विस्तार में न जाके हम सबको आज उनका विशेष प्रबोधन मिलेगा, क्योंकि उनके जीवन के कई पक्ष हैं। उस पक्ष में संगठन के लिए उनके जीवन का एक बहुत बड़ा कालखंड और वह आज भी अनवरत जारी है, तो उनके आज बहुत से ऐसे प्रबोधन हम सबको मिलेंगे और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा
कि उत्तर प्रदेश में सदस्यता के क्रम में यहाँ 20% सदस्यता बढ़ाने में 36 लाख की अपेक्षा है। माननीय आपकी प्रेरणा, माननीय अमित शाह जी का विशेष आवाहन और माननीय नड्डा जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इकाई ने 36 लाख की अपेक्षा की जगह न्यूनतम 50 लाख और पुनः 1 करोड़ तक की सदस्यता बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और वह लक्ष्य आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर से शुरू होकर 11 अगस्त राष्ट्रीय स्तर पर, हो सकता है 3-4 दिन राज्य और ले, 15 अगस्त तक इसको पूर्ण करके हम आपकी प्रेरणा से उस लक्ष्य को एक बार पुनः, जैसे उत्तर प्रदेश इकाई ने आपके मार्गदर्शन में अनेक बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, यह सदस्यता का भी शानदार लक्ष्य हासिल करेगा। और जो आपकी माननीय अमित शाह जी की, माननीय नड्डा जी की अपेक्षा है, भाजपा का अभी और बहुत ही विशेष काल, अभी पूर्ण भाजपा का विस्तार नहीं हुआ है, उस विस्तार में सदस्यता सबसे मूल आधार है। उस विस्तार में यह उत्तर प्रदेश इकाई काशी से प्रारंभ होकर के सदस्यता को वह आधार देगी, इस विश्वास के साथ आप सभी का अभिनंदन, विशेषकर माननीय मोदी जी का अभिनंदन वंदन, सभी को नमस्कार। भारत माता की। मैं आज इस अपने सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आएं और इस सभागार में वाराणसी के हमारे जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं, जनता जनार्दन को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश के सह प्रभारी माननीय श्री सुनील ओझा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के अंदर जिन्होंने पूरे देश के 130 करोड़ जनता के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और काशी को एक बार पुनः वैश्विक मंच पर ले जाकर के एक गौरवशाली स्थान प्रदान किया है। भारत माता के ऐसे महान सपूत, काशी के यशस्वी सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है और काशी को प्राप्त हुआ है। काशी हमारी सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करते हैं। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के लिए आज स्वयं काशी में पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ। आजादी के बाद
अपने संस्थापकों के उन मूल्यों, उन आदर्शों से बिना डिगे बिना हटे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं का पालन करते हुए कैसे लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है, फल सकता है, फूल सकता है, आगे बढ़ सकता है, उन सभी मूल्यों और आदर्शों को पूरी तरह आत्मसात करते हुए कैसे आम जनमानस का विश्वास का प्रतीक बना जा सकता है। लगातार दूसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी उपलब्धियों के बल पर 303 सीट प्राप्त होना और सहयोगियों के साथ 350 का आंकड़ा पार करना, ये सचमुच संगठन के प्रति एक निष्ठा और विचारधारा को, अपने उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति उन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का ही प्रतिफल है कि जब चुनाव में पिछले सदस्यता अभियान के समय जब भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का जो मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और संगठन ने एक निष्ठ होकर के सभी कार्यकर्ताओं को इस अभियान के साथ जोड़ा था, तो आज वह सब कुछ संभव हो पाया है जिसके लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में तमाम प्रकार का प्रश्न लोग खड़ा करते थे। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और वह मुमकिन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेता है जिन्होंने परिश्रम भी किया, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर आम जनमानस के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भी किया और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित भी करके दूसरी बार पहले से अधिक समर्थन के साथ आकर के अपनी सत्ता को पुनः इस देश की आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाया है। आज जब सदस्यता अभियान का यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हो रहा है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस पावन दिवस पर भी उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो मूल्य और जो आदर्श इन महापुरुषों ने रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ हर एक गांव, गरीब, किसान, नौजवान, समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, यह सदस्यता अभियान एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक बार पुनः हमारी आगे की कार्य योजना को संगठन की दृष्टि से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा जिनके अभी प्रभार के रूप में हम सब लोगों ने लोकसभा का चुनाव यहां पर देखा है, सरल सहज ऐसे अपने भारत के, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को कि वो हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय नड्डा जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
पार्टी के उत्तर प्रदेश के कर्मशील अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, हमारे संगठन की इस क्षेत्र की देखरेख करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय सुनील ओझा जी, प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, सम्मानित मंच और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, शासन में मंत्री और बूथ से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद अपनी कर्मभूमि, कर्मस्थली और जहां से वो लोकप्रिय सांसद भी हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान संगठन पर्व की शुरुआत उनके कर कमलों द्वारा अब से कुछ मिनटों बाद शुरू होगा। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को यह सौभाग्य मिला है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व, सबसे लोकप्रिय नेता और देश का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। लेकिन इसमें और भी हर्ष का विषय यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेतृत्व विश्व को देने वाले, देश को देने वाले ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन संगठन पर्व पर उनके कर कमलों द्वारा जब ये कार्य हो रहा है तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मूल में संगठन है और संगठन को लेकर के उन्होंने जीवन अपना सारा बिताया है, उसके लिए मैं विशेष करके उनका आभारी हूं और धन्यवादी हूं। जो लोग यहां पर 2000 से पहले के कार्यकर्ता होंगे उनमें से कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिनसे संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय मोदी जी का परिचय न हुआ। गुजरात से संगठन का काम शुरू किया, उत्तर क्षेत्र में काम किया, देश में काम किया, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में संगठन को नई दृष्टि दी, नई दिशा दी, बूथ की वर्किंग को नीचे तक कैसे लिया जाता है इसके बारे में उनका मंत्र हम सबको आज भी याद है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, जहां के आपने संगठन की चालना नहीं दी और संगठन का नेतृत्व नहीं दिया, ऐसे हमारे आज नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में। और इन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ा है, उनके व्यक्तिगत जीवन में जाकर के उनको अच्छे से कैसे कार्यकर्ता बना जाता है इस पर उन्होंने जोर दिया है। हर का विकास हो, हर कोई आगे बढ़े, पार्टी के लिए काम करे, पार्टी को यशस्वी बनाए, इसके लिए इन्होंने अपना सारा जीवन लगाया है। और उत्तर प्रदेश वालों को शायद याद होगा कि सार्वजनिक जीवन में आने से पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले उनको जब कॉल आई थी तो वह भी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उस समय संगठन का काम कर रहे थे, जब उनको कहा गया कि आप जाओ और गुजरात के मुख्यमंत्री का काम संभालो। दिन रात ऐसे काम करने वाले हमारे नेता आज उनके कर कमलों द्वारा जब संगठन का ये पर्व शुरू होता है तो वो उस पवित्रता के साथ, उस तपस्या के साथ, और वह हम सबको प्रेरणा देने वाला होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिवस है। हम सब लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान विचारों के लिए हुआ और उन्होंने विचारों के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, विचारों की लड़ाई लड़ी। भारत सरकार में नेहरू में के सरकार में मंत्री थे, विचारों पर उन्होंने मंत्री परिषद छोड़ा, विचारों के आधार पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, विचारों के आधार पर उन्होंने कश्मीर में अपने आप को बलिदान दिया, ऐसे हमारे प्रथम अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। उनसे भी हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा हम मानते हैं।
मुझे याद है 9 अगस्त 2014 को जब आदरणीय अमित भाई शाह जी ने कहा था कि सदस्यता अभियान हम डिजिटली करेंगे, तो उस समय के राजनीतिक पंडित यह मान रहे थे कि डिजिटली कैसे हो सकती है मेंबरशिप, और बहुत सी उस समय टिप्पणी हुई थी। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आदरणीय अमित भाई शाह ने जो डिजिटल माध्यम से सदस्यता को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका नतीजा ये निकला कि जिस दिन किया था उसके कुछ मिनटों बाद 79 लाख लोग मेंबर बन चुके थे कुछ घंटों में, और कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने सदस्यता हासिल की, और विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ, यह हम सबको समझना चाहिए। उसी समय हम दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट संगठन के रूप में हम आए, लेकिन सिर्फ सदस्य ही बनाना आदरणीय अमित भाई शाह जी का उद्देश्य नहीं था। आदरणीय मोदी जी ने उस समय अपने वक्तव्य में कहा था इसको अंतिम पड़ाव तक ले जाना है, और इसलिए आदरणीय अमित शाह जी ने कार्यक्रम लिया सदस्यता संपर्क से सदस्यता, सदस्यता से प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण से विस्तारक, विस्तारक से पूर्णकालिक। ये यात्रा है जिसको हमको करना है और इसको हमको आगे बढ़ाना है। मुझे खुशी है कि जब मैं आपसे इसकी चर्चा कर रहा हूँ तो जहाँ 11 करोड़ सदस्य हुए, वहीं पार्टी का काम 889 भारतीय जनता पार्टी के ज़िलों में कार्य पहुँचा, 11,427 मंडलों में हमारा काम पहुंचा, और 8,63,671 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन के रूप में उभर करके आई, यह हम आपके सामने बताना चाहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर लगभग 4 लाख विस्तारक पार्टी के काम के लिए निकले, और उन्होंने कोई 2 दिन के लिए विस्तारक योजना में नहीं काम किया, किसी ने 6 महीने के लिए, किसी ने साल के लिए, किसी ने 2 साल के लिए, बूथ पर जाकर के उन्होंने काम किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, अमित भाई शाह जी का संगठन रचना, विस्तारकों का अथक प्रयास, आप सब लोगों का प्रयास, उसने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार प्रो इनकम्बेंसी में 300 पार पहुंचाया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, यह हम सबको देखने का मौका मिला है। और इस बार भी जब हम सदस्यता अभियान कर रहे हैं तो हम हर तरीके से अभियान करने का प्रयास करेंगे। हम डिजिटली भी करेंगे, मोबाइल से मिस्ड कॉल करके, हम नमो ऐप के माध्यम से भी हम अपना पंजीकृत कराएंगे और अपना मेंबर बनाएंगे, और हम फॉर्म भर करके भी अपना मेंबर को बनाएंगे। तीनों तरीके से हम अपने मेंबर्स को बनाएंगे, और मुझे खुशी है अभी तक क्षेत्र प्रदेशों की बैठक हो गई, जिला की बैठक हो गई, कुछ मंडलों की बैठक रह गई है, और अभी के अनुमानित आंकड़े 6 करोड़ लोग नए सदस्य बनाने का टारगेट बनाया है। और जो हौसला मैं उत्तर प्रदेश में कल बैठक में देख रहा हूं, मुझे लगता है कि यह 10 करोड़ पार करेगा, और भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेगी, इस बात को भी हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, आप सबको पूरी ताकत से लगना पड़ेगा, इस संगठन पर्व को पूरी, जिसको कहते हैं कि शिद्दत से काम करके लोगों को जोड़ना के का जो प्रयास है उसको हम पूरा करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात ज़रूर कही कि हमको हमारा सामाजिक पक्ष भी होना चाहिए, इसलिए जब हम बूथ पर जाएं तो स्वच्छता का काम भी हम ध्यान में लें, और भी सामाजिक कार्य करें, कैंप्स लगाएं, लेकिन इसके साथ साथ वृक्षारोपण का काम ज़रूर करें, और वृक्षारोपण हर बूथ पर होना चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा है। मैंने काशी के अपने संगठन के साथियों से बात की थी, मुझे खुशी है कि उन्होंने तय किया है कि हर बूथ पर 5 दंपति अपने बच्चों के नाम पर एक स्थान पर अच्छे, जिसको बोलते हैं पेड़ लगा करके, वह अपने संतानों के नाम पर पेड़ लगा करके वृक्षारोपण करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुना हुआ उसको भी एक न एक वृक्ष लगाना है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग इस काम में जुटेंगे, सदस्यता के साथ साथ पर्यावरण को भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें अपना योगदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप पूरी ताकत से पार्टी के काम में जुटें, और इस संगठन पर्व को, सदस्यता पर्व को अच्छे से मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके
विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी अब और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर करके आएगी। आपका सहयोग रहेगा। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं और उनके बताए रास्ते पर पूरी पार्टी पूरी ताकत से लगेगी इस विश्व यह विश्वास देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय विद्यासागर राय जी से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर अपने इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर हम अपने जनसंघ काल के एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी को लेकर के आएंगे, जिन्होंने एक लंबे समय में जनसंघ काल में अपने आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी के साथ ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ काम करके आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। उनका बड़ा योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको अंग वस्त्र साहित्य दे करके और उनको नारियल फल दे करके उनका सम्मान करेंगे। ऐसा डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हम सब जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे उनको। मैं आज इस अपने सदस्यता अभियान के जो शुभारंभ है इसके टोल फ्री नंबर का शुभारंभ करने के लिए अपने आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय अमित मालवीय जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और रिमोट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि यह सदस्यता टोल फ्री नंबर का एक लॉन्चिंग अपना शुभारंभ करें माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान का शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। 8980808080 यह हम सबको दिख रहा है, इसका शुभारंभ हो रहा है। हम सब इसके साक्षी बने, आज हम सब इसके सहभागी बन रहे हैं कि हम काशी की धरती से इस सदस्यता अभियान के टोल फ्री नंबर का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं इसी कड़ी में आग्रह करूंगा अपने आदरणीय विद्यासागर राय जी से कि हम सबके अपने समाज में विशेष रूप से जिनका बहुत बड़ा योगदान है आज वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष ग्रहण करेंगे और वो अपना टोल फ्री नंबर पर वह सब सदस्यता करेंगे, उनको लेकर के मंच पर आएंगे। इसमें श्रीमती रेखा चौहान जी, श्री हरिराम द्विवेदी जी, श्री रामकिशोर यादव जी, श्री मंगला प्रसाद केवट जी, श्री छोटेलाल जी, यह अपने पांच ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी जो विशेष समूह में अपनी एक पहचान रखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी उन सबको सदस्यता दिलाएंगे। अपना मोबाइल निकाल करके अपने सभी यह पांच बंधु अपना मोबाइल निकालेंगे और मैं टोल फ्री नंबर बोल रहा हूँ। रेखा जी से रामकिशोर मंगला जी छोटेला जी आप अपना मोबाइल निकालेंगे मोबाइल और इस पे टोल फ्री नंबर अपना जो है 8980808080 इस टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करेंगे 8980808080 या हम सब स्क्रीन पे भी देख रहे हैं उसका डिस्प्ले हो रहा है। आप सभी आज अपने मोबाइल के द्वारा सदस्य बन रहे हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा कि इनको विद्यासागर जी अपना आदरणीय रचना जी इनको अपना वह सदस्यता का जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे श्रीमती रेखा चौहान जी को, श्री हरिराम जी को, श्री रामकिशोर यादव जी, श्री मंगला प्रसाद जी, श्री छोटेलाल यादव जी को, श्री हरिराम द्विवेदी जी, श्री रामकिशोर जी, श्री मंगला प्रसाद जी आगे बढ़ा दो, श्री मंगला प्रसाद जी को, श्री छोटेलाल जी, छोटेलाल जी सभी को यह सदस्यता का एक जो बही का स्वरूप है एक उसका प्रतीक उनको प्रधानमंत्री जी ने दिया, शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। मैं अमित
मालवीय जी से आग्रह करूं कि आज इस शुभारंभ के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैसे बने इसका प्रस्तुति वह प्रस्तुत करेंगे। माननीय अमित मालवीय जी अपना आईटी सेल प्रारंभ करें। उठ, जाग, दौड़, भाग, जा, पहुंच, क्षितिज पार, मिला, रागों में, देश का, तू एक व्यक्ति नहीं, समूह है, केवल शरीर नहीं, देश की रूह है, जुड़ जा देश बनाने वालों के साथ, जुड़ जा देश बढ़ाने वालों के साथ, आगे बढ़ नए भारत का है गर्व तू। देश बनाए भाजपा का विशाल सदस्यता अभियान विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने न केवल देश में दोबारा पुनः सरकार बनाई बल्कि आज देश के सभी राज्यों में भाजपा और उनके साथी दलों की सरकार है जिस तरह में रहकर मोदी जी जैसे राष्ट्र निर्माता देश की सेवा करते आए आप भी उस दल का हिस्सा बनिए। कुछ आसान से कदम भाजपा का सदस्य बनने के लिए बस उसे वेरीफाई करें और अपनी डिटेल्स वाली फॉर्म को सबमिट कर दें। यदि आप साधारण मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी एसएमएस द्वारा 8980789807 पर भी भेज सकते हैं। यदि आप पुराने सदस्य हैं तो आपकी पुरानी सदस्य संख्या और अगर आप विभिन्न भाषाओं जैसे बांग्ला, असमिया, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी उपलब्ध है। जैसे ही आप सदस्यता ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करते हैं आपका एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल सदस्यता कार्ड जनरेट होगा जिसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदस्यता अभियान 2019 की शुरुआत 6 जुलाई को डॉक्टर सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर हम देश के पुनर्निर्माण में पूरी लगन हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, राज्य के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष और अब मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, काशी की पावन धरती से देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हर समर्पित कार्यकर्ता, हर सदस्य का मैं अभिवादन करता हूं। आज मुझे काशी से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को आरंभ करने का अवसर मिला है। हमारे प्रेरणा पुंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना सोने में सुहागा है।
उनके सपनों को हम पूरा कर सके, इस आशा के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और ये भी संयोग है कि ये भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है और ये देश भर का कार्यक्रम का आरंभ, ये कार्यक्रम अमरत्व प्राप्त हमारी काशी में हो रहा है। यानी एक त्रिवेणी बनी है जिसे आशीर्वाद लेकर के हम सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। काशी के आप सभी कार्यकर्ताओं, देश भर के कार्यकर्ताओं को एक सफल सदस्यता अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब से कुछ देर पहले मुझे एयरपोर्ट पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। उसके बाद वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज आरंभ हुआ है। उस पवित्र कार्य का भी मैं हिस्सा बना। साथियों, आज सदस्यता अभियान पर आप लोगों से विस्तार से बात करने से पहले मैं भी एक बहुत बड़े लक्ष्य पर आपसे और प्रत्येक देशवासी से बात करना चाहता हूं। यह लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं है, यह लक्ष्य हर भारतीय का है। भाइयों और बहनों, कल आपने बजट में और उसके बाद टीवी पर चर्चाओं में और आज अखबारों में एक बात पढ़ी सुनी देखी होगी, एक शब्द गूंज रहा है चारों तरफ, हर कोई बोलना शुरू किया है, देखते ही देखते कानों कानों बात पहुंचने लगी है। और वो क्या है? $5 trillion इकोनॉमी। आखिर $5 trillion इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा, कल से चर्चा चल रही है। साथियों, जब ऐसी बातें सुनता हूं तो काशी के इस बेटे के मन में कुछ अलग ही भाव जगते हैं।
आशा निराशा में उलझे लोगों तक मैं अपने मन के भाव पहुंचाना चाहता हूं। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। तो साथियों, बात होगी हौसले की, नई संभावना होगी, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से। साथियों, 5 ट्रिलियन का मतलब होता है $5,00,000,000। और अगर रुपये के संबंध में बात करें तो समझिए कि उसका भी 65-70 गुना। दूसरे शब्दों में कहें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसका लगभग 2 गुना। आप सोच रहे होंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन में कहां मैं अर्थशास्त्र की इतनी गूढ़ बातें क्यों करने लग गया। देखिए दोस्तों, मैं खुद भी कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे अर्थशास्त्र का अ भी नहीं आता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जिस लक्ष्य की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपको नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेगा। नया लक्ष्य, नया उत्साह भरेगा, नए संकल्प, नए सपने लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही मुसीबतों से मुक्ति का मार्ग है। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है कि साइज ऑफ द केक मैटर्स,
यानी जितना बड़ा केक होगा उसका उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों के नसीब होगा, लोगों को मिलेगा। और इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये बनाने का लक्ष्य तय किया है, उस पर जोर दिया है। अर्थव्यवस्था की साइज और आकार जितना बड़ा होगा स्वाभाविक रूप से देश की समृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। हमारे यहां गुजराती में कहावत कहावत है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या होगा, तो कहावत ऐसी है, अगर कुएं में है तो हवाड़े में आएगा। मतलब अगर कुआं भरा पड़ा है तो फिर छोटे 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 अगर तालाब है वो तो उसमें पानी पहुंचेगा, खेत तक पहुंचेगा, अगर कुएं में नहीं होगा तो कहां पहुंचेगा। यही समृद्धि हर परिवार की, हर व्यक्ति की आय, आमदनी और जीवन स्तर में भी परिवर्तन लाती है। अब सीधी सी बात है कि परिवारों की आमदनी जितनी ज्यादा होगी, परिवार के सदस्यों की आमदनी उसी अनुपात में ज्यादा होगी और उनकी सुख सुविधाओं का स्तर भी उसी अनुपात में ऊंचा होगा। साथियों, आज जितने भी विकसित देश हैं उनमें ज्यादातर के इतिहास को देखें तो एक समय में वहां भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन देशों के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब कुछ ही समय में प्रति व्यक्ति आय ने जबरदस्त छलांग लगाई। यही वो समय था जब वो देश विकासशील से विकसित यानी डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आ गए। भारत भी लंबा इंतजार नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, भारत भी ऐसा कर सकता है। और 21वीं सदी में आज जब भारत दुनिया का सबसे युवा देश है तो ये लक्ष्य भी मुश्किल नहीं है। साथियों, जब किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वो खरीद की क्षमता बढ़ाती है, खरीद की क्षमता बढ़ाती है तो डिमांड बढ़ाती है, मांग बढ़ाती है, डिमांड बढ़ती है तो सामान का उत्पादन बढ़ता है, सेवा का विस्तार होता है और इसी क्रम में रोजगार के नए अवसर बनते हैं। यही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उस परिवार की बचत या सेविंग को भी बढ़ाती है। साथियों, जब तक हम कम आय कम खर्च के चक्र में फंसे रहते हैं तब तक ये स्थिति पानी बहुत मुश्किल होती है। और पता नहीं किसी न किसी कारण से हमारे दिल दिमाग में गरीबी एक वर्च्यू बन गया है। कभी हम सत्यनारायण कथा सुनते थे बचपन में तो वहां शुरू क्या होता था, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता था। यानी गरीबी में गर्व करना ये पता नहीं है, हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्था बन गई। देश को उससे बाहर लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संकल्प को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुटना चाहिए, नहीं जुटना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, नहीं पसीना बहाना चाहिए,
सिद्धि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। और इसलिए कल जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें आपने गौर किया होगा कि सरकार ने यह नहीं कहा कि इस मद में इतना पैसा डाला, इस मद में इतना डाल दिया, इतना खर्च यहां करेंगे, इतना खर्च वहां करेंगे। वो लिखित तो था लेकिन बोलने के समय अलग से बात की। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को देश कैसे प्राप्त कर सकता है, इसकी एक दिशा बजट में हमने दिखाई है और उससे जुड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। और देश को यह भी विश्वास किया गया है कि 5 साल एक सरकार एक कंटिन्यूटी में है। यह भी विश्वास दिया है कि आने वाले 10 साल के विजन के साथ हम मैदान में उतरे हैं। साथियों, उसका एक पड़ाव है ये 5 वर्ष। आने वाले 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन की विकास यात्रा में अहम हिस्सेदारी होगी हमारे किसान भाइयों बहनों की, खेती की, गांव की। आज देश खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों का पसीना है, सतत परिश्रम है। अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं। अन्न हो, दूध हो, फल, सब्जी, शहद या ऑर्गेनिक उत्पाद, ये हमारे पास निर्यात की भरपूर क्षमता है। और इसलिए बजट में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माहौल बनाने पर बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर निवेश बढ़ाया गया है। इसी सोच के साथ यहां आप सबको मालूम है राजा तालाब और गाजीपुर घाट में जो पेरिशेबल कार्गो का निर्माण किया गया है उसके नतीजे दिखाई देने लगे हैं। आप लोग ये जानकर खुशी होगी कि अब तक यहां से फल सब्जियों के 11 शिपमेंट विदेश भेजे गए हैं, यानी एक शुरुआत हुई है और उसका सीधा लाभ यहां के किसानों को हुआ है। यहां जो प्याज और केला होता है उसे ले जाने के लिए स्पेशल रेल कंटेनरों की व्यवस्था भी की गई है। अब हमारा प्रयास है कि यहां एक क्लस्टर विकसित किया जाए जिसमें सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए सारी सुविधाओं का निर्माण करें। यहां जो बनास डेयरी की शुरुआत हमारे यहां की गई है वो भी आज 6,000 किसानों से 11,000 से ज्यादा लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। यह तो शुरुआत है। पहले बहुत से किसानों को कम कीमत पर दूध बेचना पड़ता था लेकिन अब उन्हें भी इस डेयरी का लाभ मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। भाई और बहनों, किसान जो कुछ भी उगाता है उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको दुनिया के बाजारों में निर्यात करने के लिए निर्यात नीति भी हम बना चुके हैं। किसानों को अतिरिक्त आय हो इसके लिए भी तमाम फैसले लिए गए हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता के रूप में तैयार करना इसी रणनीति का हिस्सा है। खेत में ही सौर ऊर्जा प्लांट, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने से किसान को अपने उपयोग के लिए बिजली तो मुफ्त मिलेगी ही, अतिरिक्त बिजली वो बेच भी सकेगा। इससे सिंचाई की लागत कम होगी और बिजली बेचने से किसान को अतिरिक्त आय भी होगी। भाई और बहनों, खेती के साथ साथ
ब्लू इकोनॉमी पर भी हमारा विशेष बल है। समुद्री संसाधनों, तटीय क्षेत्रों में पानी के भीतर जितनी भी संसाधन है उनके विकास के लिए बजट में विस्तार से बात की गई है। इन संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मछली के व्यापार का। बीते 5 वर्षों में इस दिशा में हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में पूरी क्षमता से काम करने की अनेक संभावनाएं बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मछली से जुड़े कारोबार, मछुआरों को आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने एक नया विभाग बनाया है। उसी प्रकार से एक योजना इस बार बजट में आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गहरे समंदर में मछली पकड़ना, स्टोरेज, उनकी वैल्यूएशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे मछली के एक्सपोर्ट में हमारी भागीदारी कई गुना बढ़ेगी, जिससे देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और मछुआरों को अधिक दाम भी मिल पाएंगे। साथियों, विकास की एक और जरूरी शर्त है पानी, और इसलिए जल संरक्षण और जल संचयन के लिए पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सामने पानी की उपलब्धता से भी अधिक पानी की फिजूल खर्ची और बर्बादी बहुत बड़ी समस्या है। लिहाजा घर में उपयोग हो या फिर सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना आवश्यक है। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, रिहायशी कॉलोनी से निकले पानी को ट्रीट करके सिंचाई के लिए उपयोग करना या फिर घर में ही पानी की रिसाइकलिंग जैसे अनेक उपाय पर आगे हम सबको मिलकर के काम करना है। घर हो, किसान हो, उद्योग हो, हर कोई जब पानी का सदुपयोग करता है तो उससे पानी के साथ साथ बिजली की भी बचत होती है। साथियों, पानी के संरक्षण और संचयन के साथ साथ घर घर पानी पहुंचाना भी जरूरी है। देश के हर घर को जल, कभी शौचालय के लिए सोचा, कभी आवास के लिए लगे, कभी स्वच्छता के लिए लगे, अब सपना लेकर के निकले हैं हर घर को जल। देश के हर घर को जल मिल सके इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय हमने निर्मित किया है, अलग मंत्री बनाए हैं और पूरा डेडिकेटेड, पूरी सरकार संकलित रूप से पानी पे काम करना शुरू किया है। जल शक्ति अभियान भी शुरू किया गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ, सबसे पहले सबसे बड़ा लाभ होगा हमारी माताओं बहनों को मिलेगा जो पानी जुटाने के लिए अनेक कष्ट उठाती है। अब बजट में राष्ट्रीय स्तर पर जल ग्रिड बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था से देश के हर उस क्षेत्र को पर्याप्त जल मिल पाएगा जिसको पानी के अभाव का सामना करना पड़ता है। भाई और बहनों, $5 ट्रिलियन के इस सफर को आसान बनाने के लिए हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। बीते वर्षों में स्वच्छता के लिए देश के हर नागरिक ने जो योगदान दिया है उसे स्वस्थ भारत बनाने की हमारी कोशिश को बल मिला है। हर घर को शौचालय से जोड़ने, हर जगह स्वच्छता रखने भर से ही बीमारियों में कमी देखने को मिल रही है। रिसर्च बताती है कि स्वच्छता के कारण
हर परिवार के स्वास्थ्य से जुड़े खर्च में भी कमी आई है। ये बचत उस परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा करने में काम आ रही है। साथियों, स्वच्छ भारत बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना भी बहुत मददगार सिद्ध हो रही है। देश के करीब 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है। अब तक लगभग समय बहुत कम हुआ है, लेकिन इतने कम समय में लगभग 32 लाख गरीब मरीजों को अस्पतालों में इसका लाभ मिल चुका है। मुफ्त इलाज के साथ साथ देश के गांव गांव में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इससे गांव के पास ही उत्तम स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी, जिससे सामान्य परिवार की बचत और बढ़ेगी। यही नहीं, क्या हो गया भाई? बड़े उत्साही वॉलंटियर दिखते हैं। बैठे बैठे। हाँ साथियों, यही नहीं, योग और आयुष के उपयोग को बढ़ावा देने से भी स्वास्थ्य के खर्च में कमी आ रही है। योग और आयुष का जिस स्तर पर हम प्रचार कर रहे हैं, उससे हेल्थ टूरिज्म की दृष्टि से भी भारत अहम सेंटर बन रहा है। भाई और बहनों, स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से तो है ही, सुंदरता से भी है। जब देश सुंदर होता है तो टूरिज्म भी बढ़ता है। यहां काशी में भी स्वच्छता और सुंदरता का लाभ हम सभी को देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं मैं हूं इसलिए बताया, ऐसा नहीं, ऐसे बताइए कि देशवासी सुन रहे हैं आपको। मिल रहा है? देखिए, गंगा घाट से लेकर सड़कों और गलियों में साफ सफाई के कारण यहां आने वाले पर्यटक बेहतर अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही काशी की हरियाली को बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ मुझे भी वृक्षारोपण का अवसर मिला है। यहां हरियाली बढ़ने से काशी की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इससे यहां के पर्यटन को और गति मिलेगी। जब पर्यटन बढ़ता है तो भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, रोजगार का निर्माण होता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं होती है। आजकल होम स्टे का जो एक नया कल्चर बढ़ रहा है, और मैं तो मानता हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस के समय काशीवासियों ने, लोगों ने अपने घरों में रखने के लिए, मेहमानों के लिए जो माहौल बनाया था, अब उसको कॉमर्शियल रूप दिया जा सकता है। एक प्रकार से लोग आए, रहे, कमाई भी हो, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है। काशीवासी बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो काशी में महीना महीना भर रहने के लिए आना चाहते हैं, तो काशी में तो एक बहुत बढ़ावा मिल सकता है। आजकल होम स्टे का जो नया कल्चर बढ़ रहा है, उससे भी रोजगार और कमाई के नए साधन बन रहे हैं। यानी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टूरिज्म का बड़ा रोल रहने वाला है।
लेकिन भाई और बहनों, अर्थव्यवस्था में गति तब तक संभव नहीं है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो। यही कारण है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार हम पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गांव में उपज के भंडारण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर शहरों में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवेज, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, हाईवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा, यानी वाले 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में। आने वाले कुछ वर्षों में सिर्फ गांवों में ही लगभग 125,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथियों, साल 2022 तक हर गरीब बेघर के सिर पर पक्की छत हो, इसके लिए सिर्फ गांव में ही लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सस्ते घरों के लिए मिडिल क्लास जो होम लोन लेता है उसके ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। यानी अब होम लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिल पाएगी। इससे 15 वर्ष की लोन अवधि तक 7 लाख रुपए तक का लाभ एक परिवार उठा सकता है। तो बहुत बड़ा काम है। इतना ही नहीं, किराए पर घर खोजने में जो असुविधा होती है उसके समाधान के लिए भी कदम उठाए गए हैं। रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक मॉडल टेनेंसी कानून राज्य सरकारों को बनाकर भेजने वाली है। साथियों, गांव से लेकर शहरों तक जब इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होगा तो रोजगार का निर्माण होगा, सामान्य परिवार की जेब में पैसा जाएगा। इससे देश में स्टील, सीमेंट सहित हर सामान की मांग बढ़ेगी। इस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियां की मांग बढ़ेगी। देश में इस तरह डिमांड को पूरा करने के लिए हमें देश में ही सामान बनाना पड़ेगा। ऐसे में मेक इन इंडिया को गति देने के लिए बजट में बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए हैं। इस अभियान को हम डिफेंस, रेलवे और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी मजबूत कर रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में हम रक्षा से जुड़े उपकरणों का निर्यात करना शुरू कर दिया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यानी मोबाइल फोन, टीवी जैसे सामान बनाने में भी हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बजट में स्टार्टअप, और आप जानते ही स्टार्टअप शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, नई अर्थव्यवस्था की धुरी स्टार्टअप बन रहा है। बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल दिया गया है। चाहे टैक्स में छूट हो यार फंडिंग से जुड़े मुद्दे हो, हर पहलू के समाधान का प्रयास किया गया है। और हमारे नौजवानों के सपने स्टार्टअप के साथ शुरू होते हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। हमारे छोटे और मझले उद्योगों से लेकर जो हमारे पारंपरिक उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे बुनकर, मिट्टी के कलाकार, हर प्रकार के हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। वहीं सौर ऊर्जा के लिए देश में ही सौर पैनल और बैटरी बने
इसके लिए पूरी दुनिया की कंपनियों को निवेश का आकर्षक प्रस्ताव दिया गया है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने, खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वालों को टैक्स में छूट दी गई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जाल इतना बढ़े, हमारे मछुआरे भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का ही उपयोग करें तो उनका काफी खर्चा कम हो जाएगा। साथियों, सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण हो या फिर बिजली से चलने वाले वाहन, ये जब भारत में ही बनेंगे तो आयात पर आने वाला खर्च कम होगा। साथ ही पेट्रोल डीजल के आयात पर जो खर्च होता है वो भी कम होगा। सिर्फ तेल के आयात पर ही देश को हर वर्ष, यानी पेट्रोल डीजल की बात मैं कर रहा हूं, हर वर्ष 5 से 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। इसके कम होने से कितनी बड़ी राहत देश को मिलेगी, यह हम भलीभांति समझ सकते हैं। साथियों, आयात से जुड़ा खर्च जब कम होगा तो वो देश के लिए एक बचत के रूप में ही काम करेगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यही कारण है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को जितना संभव हो सके भारत में ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास कोयला भी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा मौजूद है। इनसे बिजली उत्पादन की क्षमता को आधुनिक तकनीक के उपयोग से हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही कचरे से ऊर्जा पैदा करने के अभियान को मजबूती देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, स्वच्छता अभियान का एक कदम आगे। खेती से निकले अवशेषों को बायोफ्यूल में बदलने के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं। साथियों, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे उसमें सरकार सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक सहयोगी रूप में है, एक कैटलिक एजेंट के रूप में है। कभी कभी तो सरकार आड़े न आए तो भी देशवासी बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं, यह सामर्थ्य होता है। असल काम हम सभी एक नागरिक के नाते, देश के हर नागरिक कर सकते हैं और करके दिखाया भी है भूतकाल में। ये जो लक्ष्य आज कुछ लोगों को मुश्किल दिखता है, उसको हम सभी देशवासी मिलकर जन भागीदारी से संभव बनाने वाले हैं। साथियों, जन भागीदारी की व्यवस्था को सशक्त करने के लिए देश में बहुत सारे क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है। कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कौशल विकास हो, ऐसे हर क्षेत्र में मानव सेवा और जन कल्याण की भावना के साथ अनेक संगठन काम करते हैं। हमारा प्रयास है कि इन संस्थाओं को अपने काम के लिए पूंजी जुटाने का एक माध्यम दिया जाए। यही कारण है कि बजट में स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर ही एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म, यानी एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की गई है। आज अखबारों में देखा है, बड़ी चर्चा है इसकी, बड़ी सराहना हो रही है। इस माध्यम से ये स्वयंसेवी संस्थान अपनी लिस्टिंग कर पाएंगे और जरूरत के मुताबिक पूंजी जुटा सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में 5 लाख
करोड़ डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक, 5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, ये सब क्यों किया जा रहा है। साथियों, ये वो वर्ग हैं जिन्हें हम प्रोफेशनल पेसिमिस्ट भी कह सकते हैं। ये पेशेवर निराशावादी, और ये पेशेवर निराशावादी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, कटे हुए होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास समस्या लेकर जाएंगे तो वो आपकी समस्या को समझ करके उपाय खोजने में आपका साथी बन जाएगा और कभी कभी समाधान देगा भी। पर इन पेशेवर निराशावादियों के पास अगर आप उनकी झपट में आ गए, उनके पास पहुंच गए, आप जाएंगे समाधान लेने के लिए, वो आपको संकट में डाल देगा। समाधान को संकट में कैसे बदलना, ये पेशेवर निराशावादियों के उसमें बड़ी मास्टरी होती है। साथियों, किसी भी विचार की विवेचना भी जरूरी होती है और आलोचना भी जरूरी होती है। और 5 ट्रिलियन डॉलर के संबंध में देश में उत्साह भरना, ये भी तो जिम्मेवारी है, वरना यही रोते रहेंगे, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा सोचा जाता है क्या? कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आप याद करिए, गंभीर से गंभीर बीमारी की स्थिति में भी डॉक्टर को पता है पेशेंट का क्या होगा, लेकिन डॉक्टर हमेशा मरीज को उत्साह बढ़ाता है, आप चिंता मत कीजिए, बस अभी ठीक हो जाएगा, बस 2 दिन का मामला है। क्योंकि अगर पेशेंट उत्साह से भरा हो जाएगा तो बीमारी को भी परास्त कर करके निकल सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग पेशेंट के मिलने जाते हैं और क्या करते हैं, अरे हार्ट अटैक हो गया, अरे वो देखिए ना, वो हमारे मोहन चाचा के बेटे को 40 साल की उम्र में बोलो चला गया, उधर गए थे उनका एकदम जवान बेटा, अभी तो शादी तय हुई थी, चला गया। अब आप उसकी खबर पूछने गए कि उसकी बर्बादी करने गए? ये पेशेवर निराशावादी मानसिकता है, उनको भी लगता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता नहीं है, वो पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, तुम अच्छे हो जाओगे नहीं कह रहे, उसको कह रहे यार वो भी तो गया था। साथियों, सकारात्मक माहौल मरीज में भी नई ऊर्जा भर देता है। साथियों, देश को ऐसे नकारात्मक लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। हां, हमें यह चर्चा व्यापक रूप से करनी चाहिए, यह चर्चा होनी चाहिए कि भाई मोदी जो कह रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं है, जो स्टेप्स बता रहे हैं, जो संसाधनों की बात करते हैं, जो प्रक्रिया की बात करते हैं, वो ठीक है कि नहीं है, वो सब चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा करते हुए इसमें नए सुझाव भी देने चाहिए, लेकिन 5 ट्रिलियन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, यार कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूं ऐसा करने के बजाय कैसे किया जा सकता है, कौन से कदम उठाने चाहिए, 5 क्यों 6 पर कैसे चल पड़े, ये मिजाज पैदा करने की जरूरत होती है। और इसे लेकर
देश के विद्वजनों, आलोचकों, विवेचकों, अर्थशास्त्रियों की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका स्वागत है। और मैं तो इन चीजों को इसलिए महत्व देता हूं, मैं एक बहुत पुरानी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं। मैं बहुत सुबह जल्दी उठने वालों में से रहा हूं, हमेशा बहुत अर्ली राइजर रहा हूं। तो एक बार मैं सुबह स्कूटर पर जा रहा था, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था, अंधेरा भी था। तो अहमदाबाद में एक गरीब कोई व्यक्ति खड़े थे, उसने हाथ ऊपर किया, मैं खड़ा रह गया। अकेले थे, ट्रैफिक भी नहीं था, अभी तो सुबह सुबह था, बहुत जल्दी था। तो मुझे पूछने लगे कि भाई साहब, मैं साबरमती जा रहा हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं ठीक जा रहा हूं ना? तो मैंने कहा, अरे भाई, ये तो बहुत दूर है, तुम पैदल जा रहे हो तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम्हारे, तुम थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगी, सिटी बस, उसमें बैठ करके चले जाना। तो उसने कहा, साहब 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे ये तो बताओ, मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, लेकिन देर होगी। उसने दोबारा मुझे, एक आदिवासी, अनपढ़ आदिवासी ने मुझे उस दिन पाठ पढ़ा दिया। उसने कहा, साहब ये बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, भाई तुम्हारा दिशा तो सही है, ये यही रास्ते जाओगे तुम साबरमती पहुंचोगे। साथियों, हमारी दिशा सही है, मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर विश्वास भी बड़ा गजब है। साथियों, जनता की ताकत असंभव को संभव बना सकती है। याद करिए, एक समय था जब देश अनाज के संकट से जूझता था, विदेश से खाने के लिए, पेट भरने के लिए अनाज लाना पड़ता था। देशवासी विदेश से अनाज कब आएगा उसका इंतजार करते थे, कतार में खड़े रहते थे, वो दिन थे। लेकिन उसी दौर में इसी धरती की संतान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का आह्वान किया, तो पूरे देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए। अगर हम हमारी उस यात्रा को उसी रूप में देखते तो शायद आज भी उस आंकड़ों पर लिखने वाले पेशेवर निराशावादी कभी नहीं निकालते कि हां, ये देश आत्मनिर्भर हो सकता। अगर नकारात्मक और निराशावादियों की चली होती तो हम आज भी अनाज को बाहर से ही मंगा रहे होते। साथियों, 2000 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था देश में दाल की स्थिति का, दाल के दाम अखबार में छाए रहते थे, पल्सिस का। और अब 2014 में विजयी होने के बाद मैंने देश के किसानों को प्रार्थना की थी, और मैं हैरान हूं, मेरे देश के किसानों ने दाल के भंडार भर दिए, रिकॉर्ड उत्पादन कर दिया। अब मेरे मन में एक और विचार चल रहा है, और जब मैं काशी पवित्र धरती पर आया हूं, मां गंगा के तट पर खड़ा हूं, तो मैं जरूर आज किसानों से ये बात कह रहा हूं, हम जो खाद्य तेल, खाना बनाने में जो तेल का इस्तेमाल होता है, आज उसको लेकर भी यही बात है। आखिर क्यों हमारा देश खाने वाला तेल बाहर से क्यों लाए? मैं जानता हूं, अगर देश का किसान ठान ले अपनी जमीन के 10वें हिस्से को भी तिलहन के लिए समर्पित कर दें तो तेल आयात में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। भाइयों और बहनों, देश बड़े संकल्प और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति से ही आगे बढ़ता है। इच्छा शक्ति चाहिए कि जो ठान लिया वो ठान लिया, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर देना होता है। सोचिए, अंग्रेज भी एक समय कहते थे,
जब देश आजाद होने की दिन की चर्चा चल रही थी तो वो यही सोच करके सपने देख करके गए थे, बड़े खुश थे कि जैसे ही हम जाएंगे ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, राजे रजवाड़े सब मैदान में आ जाएंगे, ये देश बचेगा ही नहीं, यही सोच करके गए थे। लेकिन एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठान लिया कि देश की रियासतों को साथ लाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो इस संकल्प को पूरा करके ही रुके थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है 2001 में कच्छ के अंदर जब भयंकर भूकंप आया था, इस पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप था, लोग कहते थे बस खत्म, अब ये खड़ा नहीं हो सकता है, आज वो खड़ा ही हुआ ऐसा नहीं, तो दौड़ रहा है वो हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जिलों में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया। लोगों ने करके दिखाया। 5-6 साल पहले जब उत्तराखंड में तबाही आई थी तो क्या स्थिति थी, कहा जाता था कि केदारनाथ में अब यात्री नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब देखिए पहले से कहीं ज्यादा यात्री अब केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथियों, देश की ताकत को हम कम आंकना गलत है। देश ने 62 की लड़ाई और 65 की लड़ाई में हमारा देश का नागरिक जितना खुद को प्यार करता है उतना ही गोल्ड को प्यार करता है, सोने को प्यार करता है। सोना तो घर में होना ही चाहिए, ये हमारी सोच है। लेकिन जब 62 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, इसी देशवासियों ने अपने गहने अपना सोना मां भारती के चरणों में डाल दिया था। पिछले 5 साल में भी जन भागीदारी की ताकत देश ने देखी है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, गैस सब्सिडी छोड़ने की बात हो, या फिर सीनियर सिटीजन द्वारा रेलवे में कंसेशन का त्याग, ये जन भागीदारी के उदाहरण है। ऐसे ही देश बनता है, ऐसे ही देश बन रहा है। साथियों, चाहे 1000 दिन में देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का संकल्प हो, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण हो, जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना हो, हमारी सरकार की पहचान संकल्प से सिद्धि की रही है। पिछले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हमारी सरकार ने पक्के घर दिए। अगर पहले की सरकारों वाली है और उस समय वाली रफ्तार होते रहती तो शायद 1-2 पीढ़ी और इंतजार करने के बाद भी घर मिलता कि नहीं मिलता, वो काम हमने 5-6 साल के भीतर भीतर किया है। लेकिन हमने दिखाया कि तेज गति से काम कैसे किया जाता है। अब सरकार 2022 तक, जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, हर गरीब को घर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से रसोई गैस, जितने गैस कनेक्शन 2014 से पहले 60-70 सालों में देश में दिए गए थे, उससे ज्यादा गैस कनेक्शन हमने सिर्फ 5 साल में देकर के दिखा दिया है। जब संकल्प लेकर उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया जाता है तो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। कुछ साल पहले क्या किसी व्यक्ति ने सोचा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत का जो 142वां स्थान था वो 77वां हो जाएगा? इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी हमने लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाया। साथियों, आपने सुना होगा, और यह श्लोक तो शायद काशी वालियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम स्कूलों में पढ़ते थे तब भी हमको सिखाया जाता था, उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी उद्यम से ही कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। इस देश के कोटि कोटि लोगों की इच्छा शक्ति ही देश को आगे ले जाएगी, उसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी। और यह भी याद रखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का
और ये आंकड़ा सुन करके आपको जरूर लगेगा कि हां 5 ट्रिलियन हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में आजादी के बाद लगभग 55-60 साल लग गए। 1 ट्रिलियन पहुंचते पहुंचते 55-60 साल बीत गए और हमने 2014 से 2019 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन नया जोड़ दिया है दोस्तों। यानी एक तरफ 1 ट्रिलियन में 55-60 साल और दूसरी तरफ 1 ट्रिलियन 5 साल के अंदर। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये लक्ष्य लेकर अगर 125 करोड़ देशवासी चल पड़े, हर परिवार तय करे कि मुझे मेरी आमदनी बढ़ानी है, हर तहसील हर जिला तय करे कि हमें हमारे जिले की तहसील की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, कौन कहता है देश आगे बढ़ नहीं सकता है। और इसी विश्वास के साथ लक्ष्य ऐसा रखा है कि जो मेहनत के बिना हम पा नहीं सकते जी, मेहनत करनी पड़ेगी, देशवासियों को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, लेकिन उसके फल पीढ़ियों तक देशवासियों को मिलते रहेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और एक सजग भारतीय होने के नाते आप सब इस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। साथियों, आज से जो सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है उसके मूल में भी यही भावना है, दल के साथ साथ देश के दूध बनकर हमें काम करना है। सदस्यता अभियान को हम राष्ट्र की प्रगति के लिए विश्वास, दोस्ती और बंधुत्व का मजबूत सूत्र मानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का तो स्पष्ट विचार था कि कोई दल सिर्फ सत्ता के लिए इकट्ठा हुए कुछ लोगों का समूह नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को एक दल के रूप में इसलिए साथ आना चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति अपने साझा विश्वास और विचारों का सदुपयोग हो सके। इसी भावना को सामने रखते हुए नए भारत के निर्माण के लिए हमें अधिक से अधिक विचारों को भाजपा की धारा के साथ जोड़ना है। और हमने देखा है इसका जो मंत्र बनाया हुआ है, साथ आए देश बनाए, हमने ये नहीं कहा साथ आए सरकार बनाए, यही फर्क है औरों में और हमारे में। हमने कहा है साथ आए देश बनाए, सरकार तो एक व्यवस्था है जिसकी जरूरत है देश बनाने के लिए, इसलिए सरकार बनाए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी इसकी शक्ति सादगी और सदाचार की रही है। भारतीय परंपरा की ये चिरस्थायी मूल्य हमें विरासत में मिले। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर हमारी पुरानी पीढ़ियों ने नेतृत्व दिया है। हर व्यक्ति ने इन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। सादगी और सदाचार भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। देश स्वाभाविक रूप से हमसे यह अपेक्षा करता है। और इसलिए भाइयों, सदस्यता अभियान में जब जा रहे हैं तब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मंत्र को लेकर के जीने वाले हम लोग समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनाना है। हमारा संगठन सर्वव्यापी हो, हमारा संगठन
सर्वस्पर्शी हो, हमारा संगठन सर्वसमावेशी हो, समाज का कोई भी वर्ग भाजपा के परिवार से बाहर नहीं रहना चाहिए। हर वर्ग का प्रतिनिधि भाजपा परिवार का हिस्सा होना चाहिए। साथियों, जब हम सरकार में होते हैं, जब संगठन जमीन की सच्चाई ऊपर तक पहुंचाता है संगठन, और कार्यकर्ता के नाते वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वो लोगों के सुख दुख को जानता है, समाज की ताकत को व्यवस्था तक पहुंचाता है। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव में हो, शहर में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर एक के साथ हमें जुड़ना है, हर किसी को जोड़ना है। उस तबके के लोगों में क्या चल रहा है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, क्या बदलाव चाहते हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं तब पता चलते हैं। और सरकार निर्जीव हो या सजीव हो, व्यवस्थाएं संगठन की सदा सर्वदा जीवंत होती हैं, जो जिंदगियों से जुड़ी हुई होती है। भाइयों और बहनों, एक कार्यकर्ता के तौर पर, भाजपा के सदस्य के नाते, अपने आप को हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए। भाजपा का कार्यकर्ता कमाल कर सकता है। आज अगर हमें विजय मिल रही है तो उसके पीछे कार्यकर्ताओं का खून पसीना ही होता है। जहां कभी हमारा आधार भी नहीं था, वहां भी संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता निरंतर लगे रहे। इसी का परिणाम है कि आज पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में भी सबसे बड़े दल के रूप में हम उभरे हैं। इसी निरंतरता को हमें बनाए रखना है, और जहां हम अभी भी नहीं पहुंच पाए वहां पहुंचना है। भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में एक और मंत्र कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं और हमारा दल देश के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो, हमें उस दिशा में निरंतर काम करते रहना चाहिए। साथियों, ये मान्यता है कि काशी में किए गए पुण्य नहीं होते। हम सभी आश्वस्त हैं कि भाजपा परिवार इस नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान भी बहुत नई शक्ति के रूप में, राष्ट्र शक्ति के रूप में परिवर्तित होगा, सफल होगा। संपूर्ण देश में भाजपा का यह विस्तार देश की विकास यात्रा की ओर तेज गति लाने में बहुत बड़ा सहायक होगा। मां गंगा की अविरल धारा की तरह भाजपा की विचारधारा भी सतत बहती रहेगी, जन जन को जोड़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से उत्तर प्रदेश को आज ये राष्ट्रीय सदस्यता अभियान पर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का समय हम सबको मिला, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आज के इस अपने कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं।